ज़ुइंग ज़ुइंग ज़ुइंग। आज हम सीखेंगे एक शेप, और कौन सा शेप सीखेंगे? ट्रायंगल, ट्रायंगल। व्हाई इट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ट्रायंगल क्यों कहते हैं उस शेप को? आई टेल यू। ट्रायंगल इसलिए कहते हैं क्योंकि उसमें होती हैं थ्री साइड्स एंड थ्री कॉर्नर्स। बट ट्रायंगल दिखता कैसा है? लेट मी शो यू। अच्छा, आई हैव अ रबर बैंड, मेरे पास एक रबर बैंड है, इसको ना मैं एक्सपैंड करती हूं विद माय थ्री फिंगर्स। सी, सो इसमें अब आपको कितनी साइड्स दिख रही हैं? वन टू एंड थ्री, ओके। एंड सेम मैनर में वन कॉर्नर, टू कॉर्नर, थ्री कॉर्नर, यस। सो हाउ मेनी कॉर्नर्स डज अ ट्रायंगल हैव? थ्री। एंड हाउ मेनी साइड्स? थ्री। अच्छा, इसके अलावा ना मुझे और कहां कहां ट्रायंगल दिखे मैं आपको दिखाती हूं। जैसे कि आई हैव दिस टॉय, ओके, ये नट एंड बोल्ट है, इसको हम ऐसे ओपन करके, ओके, एंड इसमें हम वापस इसको लगा सकते हैं। बट कैन यू सी द शेप ऑफ इट? वन टू थ्री, थ्री साइड्स, वन टू थ्री एंड थ्री कॉर्नर्स। सो दिस इज द शेप ऑफ ट्रायंगल। इसके अलावा और कहां कहां हम ट्रायंगल शेप देख सकते हैं? बड़ी भूख लग रही है, लेट्स हैव पिज्जा। नो 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 नो, पिज्जा इज अ जंक फूड, पिज्जा नहीं खाना है। बट पिज्जा अगर आपने कभी खाया है और कभी मम्मा ने अगर घर में भी बनाया हो, तो उसका जो एक पीस मम्मा हमको देती है, दैट इज ऑल्सो ऑफ अ ट्रायंगल शेप, ओके। सो आप कभी भी नोटिस कीजिएगा, जो मम्मा पूरा ऐसे राउंड शेप का होता है, सर्कल शेप का, जैसे कैन यू सी दैट क्लॉक, कैन यू सी दैट क्लॉक, यस, सो दैट इज ऑफ अ सर्कल शेप। इसके जब हम पीस करके पिज्जा, ऐसा पिज्जा होता है सर्कल शेप का, इसके जब हम पीस करके खाने लगते हैं, अपनी प्लेट में रखते हैं, सो दैट बिकम्स, दैट टेक्स द शेप ऑफ अ ट्रायंगल। उसकी थ्री साइड्स होती हैं, थ्री कॉर्नर्स होते हैं, एंड दैट इज कॉल्ड ट्रायंगल, ओके। सो अच्छा, मैंने तो बताया कि मुझे ट्रायंगल कहां कहां दिखा, पिज्जा में, टॉय में, मैंने तो रबर बैंड से भी ट्रायंगल बनाया विद माय थ्री फिंगर्स लाइक दिस, ओके, ऐसे मैंने ट्रायंगल रबर बैंड से भी बनाया। इनके अलावा और कहां कहां ट्रायंगल दिखते हैं, कहां कहां हम सोच सकते हैं, ये आप मुझे बताएंगे, ठीक है? मैंने आपको ये थ्री जगह पर बताया कि ट्रायंगल कहां कहां दिखते हैं। अच्छा, एक और चीज मैं आपको बताती हूं, आपने कभी ऐसा स्लाइड देखा है? यहां से ऐसे स्टेयर्स चढ़ते हैं और यहां से नीचे स्लाइड कर देते हैं, राइट? दैट इज ऑल्सो ऑफ अ ट्रायंगल शेप, ठीक है? कभी भी आप प्ले ग्राउंड में जाएंगे ना खेलने, विद योर मास्क ऑन, मास्क के साथ जाना है। सो कभी भी आप वहां पे प्ले ग्राउंड में जाएंगे और वहां पे स्लाइड होगा ना, तो ऑलवेज नोटिस इट फ्रॉम अ डिस्टेंस, दूर से उसको ऑब्जर्व कीजिएगा, पास में जाके आपको ट्रायंगल नहीं दिखेगा। आप जो उसको दूर से देखेंगे ना, तो आप उसमें देखना एक स्टेयर्स वाली साइड, एक स्लाइड वाली साइड, और एक नीचे से वो ऐसे ग्राउंड वाली साइड, वो ग्राउंड पे ऐसे रखी होती है, ऐसे स्टेयर्स और ऐसे स्लाइड, राइट? सो दैट इज ऑल्सो ऑफ अ ट्रायंगल शेप, ओके चिल्ड्रन। इसके अलावा बहुत सारी जगह पे आपको ट्रायंगल दिखेंगे, जैसे कि कहीं जाने के लिए एरो लगे होते हैं, ओके, अगर हम कहीं जा रहे हैं, दूर रास्ते में जा रहे हैं, वहां पे ऐसे ट्रायंगल शेप के एरो लगे होते हैं कि हमें इस तरफ जाना है। अगर हमको इस जगह जाना है तो हमको ये वाला रोड लेना चाहिए, इस तरफ जाना है तो हमको, मतलब इस जगह जाना है तो हमको ये वाला रोड लेना चाहिए, तो ऐसे करके ट्रायंगल बने होते हैं, शोइंग द डायरेक्शंस, ओके, दैट इज ऑल्सो अ ट्रायंगल, ठीक है? सो कितनी सारी जगह हमको ट्रायंगल दिखते हैं, इनके अलावा और हम ट्रायंगल कहां देख सकते हैं वो आप मुझे बताएंगे, ओके? चलो, जस्ट फाइंड आउट एंड टेल मी, ओके, आई विल वेट फॉर यू, टेक केयर, बाय बाय।